लीजिए फ्रेंड्स, मेरी बढ़िया हो गई रेडी बनके। ये देखिए एकदम सूख गई है, 4 दिन कड़क धूप में सुखाई है। ये देखिए आपको तोड़ के बता रही हूँ। अभी मैंने कंटेनर को सुखा लिया है, इसमें इनको भर देंगे। देखो कड़कड़ की आवाज आ रही है आपको, इसका मतलब ये टोटली सूख चुकी है। इनको डाल दिए इनमें कंटेनर में। एकदम सेपू बढ़िया की तरह, वो थोड़ा साइज बड़ा होता है, ये थोड़ा छोटा साइज है। ये देखिए एकदम सेपू बड़ी लग रही है। अभी इसका ढक्कन लगा लेते हैं, एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देंगे 1 साल के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं उमा नेचर ब्यूटी। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जिसका नाम है सेपू बड़ियां, जिसे मैंने एक पेठे से बनाया है। इस पेठे को व्हाइट कद्दू भी कहा जाता है। तो ये रहा पेठा, और इसको मैंने आधा काट कर इसका जो अंदर का गुद्दा है वो निकाल दिया, और फिर इसको कद्दूकस करके यहाँ मैंने 1 किलो मांग की दाल भी खोली है। देखिए रात भर भिगोई थी, अभी देखिए इसके छिलके निकल जाएंगे, कुछ कुछ रह जाएंगे। अभी थोड़ा इसको मसल के मैं धो लेती हूँ खुले पानी में। देखिए फूल गई है अच्छी तरह। देखिए मैंने अच्छी तरह धो लिया है, इसके आधे छिलके निकल चुके हैं, आधे रह गए, कोई बात नहीं। देखिए अब इसका पूरा पानी निकाल के मैं इसको पीस लूंगी मिक्सी में, थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी में डाल के इसे पीस लेंगे। ये लीजिए मैंने दाल को अच्छी तरह से पीस लिया है, इतनी हुई। अब है मेरे पास ये हींग, इसको मैंने भिगो के रख दिया है। अब इस हींग को मैं इसके बीच में ऐसे मिला दूंगी और इसको ढक के रख देंगे ऐसे, ताकि इसमें अच्छे से घुल मिल जाए। ये मेरे पास एक पेठा है जिसे मैंने काट लिया है आधा करके। देखिए इसको आधा ही डालूंगी, इतना ही। और ये है मुट्ठी भर धनिया हरा, और ये 250 ग्राम के करीब अदरक है, इसको काट लेते हैं। ये मैंने व्हाइट कद्दू काट लिया है पेठा, अभी इसको कर लेती हूँ कद्दूकस। यहाँ काट लिया है मैंने ढेर सारा धनिया, और इसको मैंने बड़े टब में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मिलाने के लिए अच्छा रहेगा। और धनिया को भी, अदरक है, इसको मैंने कुंडी सोठे में पीस लिया मोटा मोटा, और इसको भी इसमें मिला देंगे। अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पर मेरे पास साबुत धनिया है, थोड़ा जीरा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, और यहाँ पर है राई। इन सबको मैं थोड़ा गरम करके पीस लेती हूँ।
इसमें मिला दिया मैंने पिसा हुआ धनिया। और गरम मसाला, दालचीनी पाउडर, और काला नमक, और पीसी हुई मिर्च, लाल मिर्च। बाद में मिलाऊंगी क्योंकि हाथ हो जाएंगे मेरे खराब। अब इसको मिला लेते हैं अच्छे से। और ये पेठा जो मैंने कद्दूकस किया था, इसको भी निचोड़ के पानी इसका मिला दिया। अभी इस सब को मिला लेते हैं अच्छे से। इसका मेन काम मिलाना है। अगर इसका अच्छे से लफी हो जाए तो मतलब आपकी बढ़िया बढ़िया हो जाए। जैसे आटा गूंथते हैं उसको अच्छे से मिला। यहाँ मैंने सारी प्लेटें ग्रीस कर ली हैं तेल से। और अभी यहाँ जला लिया है मैंने धूप, और हाथ में लगा लूंगी मैं तेल। और ये बढ़िया ऐसे इसका गोला सा बना के पांच बढ़िया यहाँ बना लेंगे। इसमें पांच मिर्चे लगा देंगे। और मत्था टेक लेंगे मिर्चे लगा के। जय माता रानी। ठीक ठाक बच्चे हमें बढ़िया सुख शांति देना। और अब और बढ़िया बनाएंगे ऐसा गोला बना के। इस तरह सारी बढ़िया बना ये प्लेटों में डाल के मैंने बढ़िया बना ली। देखिए अभी इनको डाल दिया धूप में, दो दिन की धूप कड़क लगा के। देखिए धूप आ गई सुबह। अभी इसको दो तीन धूप लगेगी दिन में। आफ्टर टू डेज देखिए फ्रेंड्स बढ़िया कितनी सूख गई है। इन्हें सुलाने की ज़रूरत है और अपने आप ही निकल रही है। ये देखिए किसी चाकू की छुरी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही देखिए निकल गई। मार्च महीने की धूप है तेज, जिससे ये दो दिन में ही सूख गई। अभी इनको इकट्ठा कर लेंगे एक ही बर्तन में और एक धूप और लगाएंगे और बढ़िया रेडी हो जाएंगे। ये देखो आपके सामने ही मैंने निकाला इनको। ये देखिए दूसरी भी निकालती हूँ। ये देखिए एकदम इकट्ठा करो और हो गया। अब ये जो मिर्चें रखी थी इनको साइड में निकाल देंगे, इनको बीच में नहीं रखेंगे, इनको अभी हम फेंक देंगे। देखिए ऐसे ही एक में इकट्ठा करते रहेंगे।
इसी तरह सारी बड़ियों को एक ही बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, मेरी बड़ियां हो गई रेडी बनके। ये देखिए एकदम सूख गई है, 4 दिन कड़क धूप में सुखाई है। ये देखिए आपको तोड़ के बता रही हूँ। अभी मैंने कंटेनर को सुखा लिया है, इसमें इनको भर देंगे। देखो कड़कड़ की आवाज आ रही है आपको, इसका मतलब ये टोटली सूख चुकी है। इनको डाल दिए इनमें कंटेनर में। एकदम सेपू बड़िया की तरह, वो थोड़ा साइज बड़ा होता है, ये थोड़ा छोटा साइज है। ये देखिए एकदम सेपू बड़ी लग रही है। अभी इसका ढक्कन लगा लेते हैं, एयर टाइट कंटेनर बंद करके रख देंगे 1 साल के लिए। और यहाँ पर एक रेसिपी और मैंने बनाई है, वो है गुजिया। 15-20 गुजिया मैंने बना ली है और इसको भी मैं अभी इस कंटेनर में डाल लेती हूँ, छोटे वाले में। और एक बार मैं आपको तोड़ के बता लेती हूँ। देखिए देखिए कितनी कड़क आवाज आ रही है, एकदम कड़क गुजिया बनी है। इसमें जो मैंने पेस्ट डाला है वो बिल्कुल अलग है। जो सर्दियों में पंजीरी बनाते हैं तो वो मैंने कुछ मिक्स करके डाली है सूजी में, जिसमें मेवे वगैरह सब कुछ थे। मैंने अलसी की पंजीरी बनाई थी तो वो मैंने इसमें कुछ डाली है, थोड़ा सा मावा और थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल के, तो बहुत ही टेस्टी बनी है। इसको भी मैं अभी इस कंटेनर में डाल के रख देती हूँ। तो दोस्तों आप भी बनाइए मेरी ये रेसिपी, बढ़िया तो आप जरूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों एक लाइक जरूर करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।